गाइस, मैं एक पैकेज लेके आया हूँ जो कि हम इंडोनेशिया में पहली वो करने वाले अनबॉक्सिंग। तो मेरे साथ में ये बोलने की ये भी अच्छी लग रही थी, आना चाह रही है। हाय गाइस, मैं स्पेशल गेस्ट हूँ शोकी और वेलकम बैक टू हिज चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिडंट लाइक बट सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। और इसी बात पे सारिका चौधरी को भी जाके देखे ना, उसके मेरी ब्लॉग जो है वायरल हो गई। थैंक यू सो मच। तो चलो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मैडम थोड़ा सा आप मुझे वो देंगे, नाइफ देंगे जिससे मैं इसको खोल के। अरे यार नहीं, आना नहीं है आपको। चाय पी लीजिए पहले। थैंक यू सो मच, मैंने खुद बना के पी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट अनबॉक्सिंग है मेरी इंडोनेशिया में जो मैं कर रहा हूँ एक अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। हाँ, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं। अरे उन्हें बाल लग रहा है ना, इसलिए स्पेशल प्रेजेंस दे रही है यहाँ पे, वरना आती नहीं मैं चैनल पे। स्टार्ट करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। को मैंने ऑर्डर किया था गाइज, यहाँ पे टोकोपीडिया चलती है, जैसे अपने इंडिया में अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब यहाँ पे नहीं है। इन्होंने बाहर की विदेशी कंपनियों को आने से रोक रखा है, अपनी कंपनी बनाई और उसी चलने दे रहे हैं। सो गाइज, ये है हमारा, आप ही देख लो क्या है, आपको दिख रहा है ये है स्टीम आयरन, जो आपने काफी सुना हुआ स्टीम आयरन के बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि ये पोर्टेबल है। अभी मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, उसमें मैं इसको ले जा सकता हूँ। और स्टीम आयरन आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। आप जो प्रेस आयरन करते हो कॉटन के हैं, सिकुड़े होते हैं वो जल्दी, वो सही नहीं होते हैं। स्टीम आयरन से करोगे तो बिल्कुल चुटकी में चीजें हो जाएगी। तो मैंने भाई सोच के सोचा कि यहाँ पे मुझे प्रेस तो लेना ही, आयरन लेना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पे एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ट्राई किया जाए कुछ नया चीज। तो इंडिया वाले ब्रांड से यहाँ पे नहीं है ये, आपको डोरा होमी, थैंक्स फॉर योर चॉइस, डोरा होमी ब्रांड की है। मैंने इसकी रिव्यू देखी टोकोपीडिया पे, काफी अच्छी थी। मैंने कहा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे बैक के आउटर चीजों पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई है, तब मैं आपको बता पाऊंगा अच्छे से। स्टीमर हैंडल गारमेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इस पे एक दो चीजें लिखी हुई है कि इंस्टेंट हीटिंग वाटर पंप टेक्नोलॉजी, 30 सेकंड में गर्म हो जाएगा, वेपर स्टार्ट हो जाएगी इसकी, मतलब स्टीम। एंटी ड्रिप डिजाइन, मतलब पानी नहीं निकलने वाला है इससे, ये अच्छी बात है। दूसरा बात है द बॉडी इज नॉट हॉट, मतलब गर्म नहीं होती जब भी प्रेस करोगे, तो बढ़िया बात है। 10 मिनट तक चलेगी, आप एक बार वो करोगे तो मान के चलो कि एक बार आपने डाला तो 10 मिनट में आप दो कपड़े तो कर ही लोगे, फिर पानी चेंज करो फिर करो। छोटे चीजें हैं, पोर्टेबल है तो ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं। बड़े वाले भी आते हैं, वो भी देखा मैं, वो भी ठीक ठाक बजट में आ रहे थे, बट मुझे ऐसी चीजें नहीं लेनी जो मैं इंडिया वापस नहीं ले जा सकता हूँ, तो मैंने उस पर दिमाग ही नहीं लगाया। और आप इसके कलर देख के भी सरप्राइज हो गए, ऐसा मत समझना कि मेरी बीबी ने मंगाया मैंने ही मंगाया, इसी कलर में आता है, बट काफी क्यूट है। और फर्स्ट जैसे मैं इसको उठा रहा हूँ काफी हैवी लग रहा है ये। सी दिस गाइस, वायर क्वालिटी इज ऑल्सो नाइस गाइस, द कलर इज सो नाइस। सबसे पहले ये देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज, दिस इज पिंक नहीं ये पीच कलर है। हाँ मुझे पिंक दिख रहा था, और पीच थोड़ा होमी ही है। और ऐसा इसका कंस्ट्रक्ट है आगे से ऐसे, और वायर की लेंथ भी आप देख सकते हो काफी सही है, मतलब काफी अच्छी लग रही है। काफी लोगों ने रिव्यू दे रखी थी तो मैंने सोचा कि फटाक से मैं यही मंगा लूं, इससे अच्छे ऑप्शंस भी थे और काफी महंगे महंगे ऑप्शन थे, और ये काफी बजट ऑप्शन है। सो गाइस लेंथ देख लो वायर की, इतनी है इस कोने से, मतलब इस वीडियो में नहीं आ पा रही, इतनी लंबी है। और काफी ऐसा होना भी चाहिए ताकि मैं इसको अच्छे से ऐसे 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 वो कर पाऊं। बेस्ट पार्ट है कि हैंडल इसकी जो है ये फोल्डेबल है, ऐसे इसको फोल्ड करके ये कैरी करने के लिए ही कहीं ले जा सकते हो ट्रिप वगैरह पे। थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको पीछे इसके, ऐसे यहाँ पे आप खोलोगे इसमें वाटर डालोगे और आगे से वेपर आने वाला है। ज्यादा चीज है नहीं यहाँ पे, कुछ इंडिकेशन के लिए कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है, मैं अभी देखूंगा पढ़ूंगा तभी बता पाऊंगा आपको। पीछे भी यहाँ कुछ है, हैंडल ऐसा है, ऐसे खुल रही है, इतना फोल्ड होता है। आगे स्विच है जो कि आई थिंक ऑन ऑफ का स्विच है, वो हम देख लेंगे कैसे क्या करना है। और इसकी वोल्टेज रेंज जो है गाइस 220 से 240 है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़, वाटर कैपेसिटी 120 ml की वाटर कैपेसिटी है इसकी, दैट इज गुड। यहाँ पे लॉक हो जाएगा, हैंडल भी काफी प्रॉपर अच्छा है। इसके साथ में दो चीज और भी है इस बॉक्स में, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये है ताकि इसमें पानी डालो, नल से नहीं एसी से लो और सीधा इसमें डाल दो, तो डालने में दिक्कत नहीं होगी।
और इसके अलावा एक आगे में आई थिंक कि कपड़े से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना हो तो आगे में ऐसे ब्रश काइंड ऑफ लगा हुआ है। इसके अलावा इस बॉक्स में कुछ भी नहीं, एक मैनुअल है जिसमें कि काफी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ तो इसमें काफी चीजें पढ़ के मैं जानना चाहूंगा क्या चीजें हैं। ये देखो यहाँ पे एक बना हुआ है बटन खोलने का, इसको मैं ऐसे खोल लेता हूँ और इसमें जो अब मैंने वाटर लिया हुआ है इसको आराम से, बहुत आराम से इसमें भर देता हूँ और जो इसका लॉक है इसको अच्छे से बहुत ही प्यार से मैं आराम से इसको लॉक कर देता हूँ। तो ये देखो पानी ऐसे इसके अंदर जा चुकी है, अगर दिख रही है आपको तो गाइज ऐसा क्रीज बना हुआ है, मैंने एंगल चेंज कर लिया ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि प्रेस कैसे होती है इस पर। तो मैं फटाक से प्लग लगाता हूँ और इसको ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि ये कितना सही होने वाला है इस स्ट्रीमर से यूज होने के बाद। और इसमें लाइट ऑन हो गई है, यानी कि इसमें पावर जा रहा है आई थिंक, अब मुझे पता नहीं आई थिंक इसको ऑन कर देना है। ओ पकड़ना यहाँ से, मैं पकड़ता हूँ रियली नाइस, इसको थोड़ा स्ट्रेट करना होता है। वाओ यार, इसलिए मैं सोचता था गाइस इसकी फाइव स्टार होटल में ऐसे टी शर्ट वगैरह को भी इतना स्ट्रेट कैसे कर देते हैं। ये धीरे धीरे अपने आप क्लियर होते जा रही है आपको, तो ये अब इसको इस पार्ट पे भी कर रही है। मैं आपको फाइनल रिजल्ट एक बार में पूरी से एक लाइन ऊपर से नीचे करो, ऐसे आपको स्ट्रेट रखना है, कपड़े को हैंग कर लेना कहीं पे और ऐसे बस उसको स्ट्रेट स्ट्रेट इसको आपको नीचे करते जाना है। तो गाइस इस तरह से हमारी ये स्टेमिंग हो चुकी है, यहाँ पे स्विच और ये देख सकते हैं आप टी शर्ट कितना सही हो चुका है। टी शर्ट इज, तो आप इसको कितने स्टार्स देना चाहोगे? या तो गाइज मैंने कंफर्म कर लिया 1,77,000, यानी कि करीब करीब 1,000 से नीचे ही है। तो इतने सस्ते में तो प्रेस वाले जो आयरन वो भी नहीं आते हैं, और अच्छी बात है कि मोस्टली मैं यहाँ जो है टी शर्ट यूज करता हूँ और उन टी शर्ट पे आप प्रेस नहीं कर सकते, और आप देख सकते हो कि मैंने स्टीम आयरन से किया जो आयरन आपको दिखाया हुआ है, तो कितनी सही सीधी सीधी अच्छी होगी। और आपको दिखाना था इसे, थोड़ी मेहनत लग रही थी, पानी में बड़ा कि क्या करूंगा ऐसे कहीं हैंग कर दूंगा और मैं सीधे खुद से अपने आप से इसको अच्छे से स्टीम कर पाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना वो पता ही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 बाय।